गांधी जयंती है। इस मौके पर हमने विशेष बातचीत की छत्तीसगढ़ सरकार में खादी ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार से। मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने बताया कि किस तरह से भूपेश सरकार गांधी के सपनों को साकार कर रही है और ग्रामोद्योग के माध्यम से गांव को सशक्त बना रही है। नमस्कार, मैं हूं वैभव शुपांडे और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। स्वराज एक्सप्रेस में आज हम बात करेंगे गांधी जयंती के इस विशेष अवसर पर ग्राम उद्योग को लेकर के। भारत गांवों का देश है और छत्तीसगढ़ भी एक कृषि प्रधान देश है, जहां पे गांव से जुड़ी हुई तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको कि आज बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। कैसे हम ग्राम उद्योग को बढ़ावा दें, कैसे हम खादी को जो है बढ़ावा दें, कैसे हम बुनकरों को जो है आगे लाएं, इन तमाम विषयों पर जो है बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ शासन में खादी ग्राम उद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद। शुरुआत सर, चूंकि छत्तीसगढ़ में हम गांधी के रास्ते पर चलने की बात भी कह रहे हैं और भूपेश सरकार जब से बनी है तब से कोशिश यही है कि गांधी ने जिस सुराज की बात की थी उस सुराज को हम छत्तीसगढ़ में लाए और ज्यादा से ज्यादा हम गांवों को सशक्त करें, उसके माध्यम से हम नवा छत्तीसगढ़ को गढ़ पाएंगे। तो ग्रामोद्योग विभाग के आप मंत्री हैं, किस तरीके से गांवों को जो है आगे ले जाने की कोशिश, गांव के लोगों को जो है काम देने की कोशिश आपके विभाग की तरफ से की जा रही है? जब से हमारी सरकार है यहाँ पे माननीय भूपेश बघेल जी की, तो तब से निरंतर गांव से जुड़े हुए लोग, चाहे वह किसान हो, बुनकर हो, शिल्पकार हो, या जो लोग माटी के जो ना बर्तन बनाते हैं वो लोग, मतलब हर वर्ग के लोगों को ग्राम उद्योग विभाग के द्वारा निरंतर हर स्तर पे उनको उनके जगह पे पहुंच के विभाग के द्वारा ना काम उपलब्ध कराया गया। और सबसे बड़ी बात, महात्मा गांधी जी की जयंती भी है और महात्मा गांधी जी ने खादी के कपड़ों को उन्होंने ना आगे बढ़ाया था। उन्होंने मतलब विदेशी कपड़ों को त्याग के खादी के ना कपड़ों को अपनाने के लिए उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के लिए जनता से उन्होंने कहा था। और आज की तारीख में खादी के कपड़े सिर्फ छत्तीसगढ़ और सिर्फ हिंदुस्तान ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज की तारीख में प्रसिद्ध हैं और निरंतर लोगों को विभिन्न जो हमारे जो ना अलग अलग जो ना जो हमारे में जो जो घटक आते हैं बिल्कुल उनको मिला के लॉकडाउन जैसे समय में भी, इतनी बड़ी आपदा में भी हमारे विभाग के द्वारा तकरीबन 370,000 लोगों को घर बैठे बैठे हमने रोजगार उपलब्ध। बिल्कुल, और ये बात तो वाकई में कोई दो राय नहीं है कि इस कोरोना के संकट में जितना जो है मजबूत अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ का रहा है वो कहीं और किसी राज्य का देखने को नहीं मिला है। और शायद उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारा ये ग्राम उद्योग ही रहा है, क्योंकि हमने देखा कि वहां पे कोरोना के संकट काल में स्व सहायता समूह महिलाओं के पास काम है, वो मास्क बनाने का काम कर रही है, गोबर से बनने वाले उत्पादों का जो है वो निर्माण कर रही है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत व्यवस्थित तरीके से आप लोगों ने रोजगार भी उपलब्ध कराया, गांवों को सशक्त भी बनाया। निश्चित तौर पर, क्योंकि जब लॉकडाउन पीरियड की जो अवधि जो आई, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, उसमें निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी चिंता का विषय था कि लोगों को अपने परिवार के ना भरण पोषण के लिए उनको घर बैठे बैठे रोजगार उपलब्ध हो। जितने भी स्व सहायता समूह हैं, जितने भी रजिस्टर्ड हैं, उन सबको हमने घर बैठे बैठे उनको हमने मास्क उपलब्ध, मतलब मास्क बनाने की ट्रेनिंग दी। इस प्रकार की विभिन्न प्रकार के हमने काम उपलब्ध कराया, लोगों को ना चाक उपलब्ध कराया और बुनकरों को विशेष तौर पर उनके घर बैठे बैठे धागा उपलब्ध कराया, जिसके द्वारा वह कपड़ों को की सिलाई करके आने वाले समय के लिए, चाहे स्कूल हो, मतलब शिक्षा जगत हो या फिर विभिन्न विभाग है, वहाँ पे उनको समय रहते कपड़ों को उपलब्ध करा सकें और सबसे बड़ी चीज उनको घर बैठे बैठे रोजगार मिला। बिल्कुल, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और छत्तीसगढ़ चूंकि बुनकरों का भी एक तरीके से बड़ा गढ़ है और यहाँ के ऐसे बहुत सारे जो है उत्पाद है जो कि काफी प्रसिद्ध है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जो है ख्याति है। खासतौर पर यहाँ की कोसा बुनकरों की अगर बात की जाए, जो कि जहांगीर क्षेत्र में जिसका निर्माण होता है, या फिर बस्तर के क्षेत्र में जिस तरीके के जो प्रोडक्ट और कलाकृतियों के साथ जो कपड़े बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, साड़ी हो या गमछे हो, उसकी जो है डिमांड बहुत रहती है। हाल ही में इसे लेकर के
प्रसिद्ध गायक जो है कैलाश खेर ने उसने ट्वीट भी किया था और उन्होंने कहा था कि आप बस्तर से ये प्रोडक्ट जरूर मंगाइए। ये निश्चित तौर पर कैलाश खेर जी का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने यहाँ के आदिवासियों छत्तीसगढ़ के रहने वाले लोगों को विभिन्न समाज के लोगों को उन्होंने तारीफ की और इसके बढ़ावे के लिए उन्होंने ट्वीट भी किया। और मैं तो आपको यही बताना चाहूँगा कि अभी जैसे कि माता कौशल्या का मंदिर हमारे छत्तीसगढ़ में है, तो माता कौशल्या के मंदिर में जो वहाँ पे जो मंदिर में जो जो कार्विंग की गई है उस कार्विंग को लेते हुए भी अब मतलब साड़ियों को हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो एक वह धार्मिक भावना भी है। साथ ही साथ जो सतनामी समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है गिरौदपुरी, वहाँ पे गिरौदपुरी में जो मुख्य मंदिर है, सबसे बड़ा जैतखाम है कुतुब मीनार से मिलकर, साथ ही साथ बाबा जी के ना फोटो युक्त ऐसी साड़ियों को भी बनाया जा रहा है ताकि हर वर्ग हर समाज के लोगों को सम्मिलित करते हुए आस्था को ध्यान में रखते हुए लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो। और इसमें एक प्रयोग आपके विभाग के तरफ से ही देखने को मिला कि जब अरपा पैरी के धार को राजगीत बनाया गया तो बहुत सारे जो आपके विधायक हैं जो कि महिला विधायक हैं कुछ जो है गमछे में कुछ साड़ियों में उस तरह से जो है लिखा हुआ आया जी, तो एक प्रयोग था और मुझे लगता है काफी सुंदर भी लग रहा था और उसे काफी पसंद भी किया गया। जी निश्चित तौर पर यह एक हमारे सरकार के द्वारा यह नई योजनाएं ला के हमारी जो छत्तीसगढ़ की जो परंपराएं हैं इनको शुरू से जब से हमारी सरकार बनी मतलब तो छत्तीसगढ़ के परंपराओं को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। उसी कड़ी विभाग में भी छत्तीसगढ़ की परंपराओं को लेते हुए उनकी कलाकृतियों को उभरते हुए हम अभी भी काम करें, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लोगों को यहाँ पर उनका अपनापन महसूस होगा। बिल्कुल, चूंकि गांधी जी की हम 191 जयंती मना रहे हैं, इस मौके पर गांधी के सुराज की जब अपन बात करते हैं तो कैसे उनके सुराज को हम छत्तीसगढ़ में ला रहे हैं, किस तरीके से ला रहे हैं, खासतौर पे गांव में हम कैसे उनके सुराज को लेकर के जा रहे हैं, वो गांव जिसको गांधी जी कहते थे कि इसी से ही हमारे जो है भारत को विकास हो सकता है, हम भारत को विश्वगुरु बना सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ में एक अच्छा काम हो रहा है नरवा गरवा घुरवा बारी के माध्यम से जो कि पूरी तरह से ग्रामोद्योग पे आधारित है, गोबर खरीदी की जो बात हो रही है जो शुरुआत हो चुकी है वो भी एक तरीके से ग्रामोद्योग पे आधारित है, आप इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, इससे कितना सशक्त होगा गांव? निश्चित तौर पर आप इन्होंने सही बोल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं गांधी जी की जयंती की सभी को मैं अपने तरफ से मैं बधाई देता हूँ। और गांधी जी का जो सपना जो है जो था हमारा जो छत्तीसगढ़ जो है इसका 80% बेस हम जो है हम ग्रामीण बेस ग्रामीण हम किसान हैं। और ग्रामीण स्तर पर जिस तरीके से महात्मा गांधी जी चाहते थे कि लोगों का विकास हो, हमारी सरकार का ने उसी को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पे आगे लिया नरवा गरवा गुरुवा बाड़ी के तौर पर। एक बात ये रहती है कि जैसे कि बाजार की समस्या रहती है कि कैसे जो है उनके बाजार को और ज्यादा जो है विस्तार दिया जाए, दिल्ली में काफी डिमांड रही गोबर के दीयों की, तो ये सब सारी चीजें, तो इसी तरीके से कैसे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं कि पूरा एक मार्केट तैयार हो जाए खादी ग्रामोद्योग का? इसमें पूरे जिलों में जिला मुख्यालय में या तो सबरी एम्पोरियम के नाम पे या फिर जिला मुख्यालयों में एक अलग से आउटलेट खोला गया जहाँ पे जो भी हमारे हम प्रदेश के जो लोग हैं इनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट जो बनाया जाता है उनको परचेज करके वहाँ से बेचा जाता है। और सबसे बड़ी बात आज के तारीख में चाहे अमेजोन के जरिए हो या फिर एक दो साइड ऐसे और हैं जिनके जरिए हम ऑनलाइन बिक्री भी कर रहे हैं, और मुझे बताते हैं खुशी होती है कि ऑल ओवर इंडिया में इन सब चीज़ों की डिमांड आज के तारीख में बहुत बढ़ गई है। तो निश्चित तौर पर जब डिमांड बढ़ी है तो लोग रोजगार भी ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध होगा। आपको लग रहा है कि एक और समग्र जैसे आजकल एक चलन हो चला है मॉल का सुपर बाजार का, तो इन जगहों पर भी हम जो है गांवों से बनने वाले उत्पाद हैं जो हमारे बुनकर साथी हैं जो हमारे स्वसहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनके प्रोडक्ट को भी हम लॉन्च करेंगे वहां तक लाएंगे ताकि और सहजता से जो शहरी जो तबका है उन तक भी वो चीजें पहुंचे। निश्चित तौर पर जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम
जिलों में जहाँ पे आउटलेट नहीं थे वहाँ पे मैं आउटलेट किया, और साथ ही साथ जो हमने नया चीज ऑनलाइन परचेज हमने स्टार्ट किया, यह एक नई चीज हुई। और इसमें भी आगे जैसे जैसे डिमांड आती जाएगी निश्चित तौर पे, क्योंकि हमारे प्रदेश की चीजें हैं ये, छत्तीसगढ़ की चीजें हैं, तो इसकी डिमांड के अनुरूप आने वाले समय में मॉल में भी हम प्राथमिकता के हिसाब से आउटलेट खोलेंगे। हाँ, मुझे चूंकि कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ, क्योंकि गांधी जी की आदर्शों पे बात कर रहे हैं, उनके ग्राम स्वराज पे बात कर रहे हैं, तो मैं एक कोशिश करता हूँ कि जैसे हम बहुत सारे जो है शॉप मॉल वगैरह देखते हैं, एक खादी ग्राम उद्योग का जिसमें समग्र जो है सारी चीजें एक ही छत के नीचे आपको मिल जाए, अगर किसी को मिट्टी का सामान चाहिए वो भी वहीं पे उपलब्ध हो, किसी को खादी का सामान चाहिए तो वो भी वहीं पे उपलब्ध हो, किसी को बहुत ही जो है देसीपन वाले जो है बुनकरों से बने हुए हथकरघा वाले जो सामान हो वो भी मिल जाए, तो इस तरह की चीजें अगर हो जाए एक ही छत के नीचे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे लगता है शायद आपकी इस योजना में शामिल है ये चीजें। निश्चित तौर पर हमारी योजना पे इसमें शामिल है, जैसे कि ऑलरेडी जिलों में जहाँ पे नहीं थी वहाँ पे वहाँ पे हमने खोला। उसके अलावा हमने एक नई शुरुआत और की थी ना, जहाँ पे खादी ग्राम उद्योग की ऑफिस है वहाँ पे एक आउटलेट हमने खोला है, जहाँ पे मतलब क्योंकि वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि शहर के हार्ट में, हार्ट में पंडरी हार्ट में तो ये सब सारी चीजें हैं। उसके अलावा और जो कंकाली तालाब के ना सामने भी हमने खोल दी है, तो धीरे धीरे करके हम उसका विस्तार करते जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये तो हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि अब जैसे हमारा जो ना माटी कलब थोड़ा सा ये हो जाता है ना कि मार्केटिंग में हम लोग थोड़ा पिछड़ जाते हैं, तो लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उसकी भी जो है मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ताकि आज के युवा हम जैसे युवा जो है निश्चित तौर पर आगे, इसलिए हमने सोशल मीडिया को भी अपनाया है, और साथ ही साथ हमने आप जैसे मीडिया के साथियों को भी हम सहयोग लेते रहते हैं। मैं एक और सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप इन जो कि 2 साल आपके पूरे होने जा रहे हैं, 3 साल और है इस सरकार में आपके, आप ऐसी कौन सी जो है योजना इस खादी ग्राम उद्योग के लिए और आप लेकर आएंगे जिससे कि आपके अपने जो है गांव के लोगों को पूरा एक रोजगार मिले, समग्र रोजगार मिले, उनकी अर्थव्यवस्था और मजबूत हो, क्योंकि गांधी जी भी चाहते थे कि गांव गरीब का जो तबका है वो बहुत आगे आए, और उससे पहले भी बाबा गुरु घासीदास जी की यही मंशा रही है कि समरसता के साथ जो है हम आगे बढ़े, सबको साथ लेकर के चले, तो उस दिशा में भी शायद आप सोच रहे होंगे। निश्चित तौर पे आपका कहना सही है, परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी ने सत्य अहिंसा समानता का मार्ग उन्होंने दिखाया, और यही बात गांधी जी, और गांधी जी भी इन्हीं रास्तों में चलते हुए देश को आजादी दिलवाए, और साथ ही साथ मतलब हमारे जैसे मैंने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो ग्रामीण प्रवेश ज्यादा है, और जैसे मैंने बताया लॉकडाउन जैसे पीरियड में जब हम 3,70,00,000 लोग हमने घर बैठे बैठे रोजगार उपलब्ध कराया, तो हमारी सरकार की पूरी प्लानिंग है ये कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे विभाग के द्वारा रोजगार उपलब्ध करा सकें। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम हमारे आउटलेट्स बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, तो मंत्री रुद्र कुमार, गुरु मंत्री रुद्र कुमार जी से हम बात कर रहे थे, और उनका बहुत ही सहज और स्पष्टता के साथ यही संदेश है कि जो खादी ग्राम उद्योग जो उनका विभाग है उसके जरिए हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके, गांव के लोग जो कि स्थानीय स्तर पर काम करते हैं अपने परंपरागत तरीके से वो जो कामकाज करते हैं उसको भी आगे लेके आए, उनको एक बाजार उपलब्ध कराएं और उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दे। इस दिशा में कोशिश की जा रही है, भूपेश सरकार के आने के बाद मुझे लगता है कि इस पे ज्यादा काम हुआ है और उन सब सारी चीजों को हम देख पा रहे हैं, क्योंकि सरकार की जो अपनी योजनाएं हैं उन योजनाओं में ये सब सारी चीजें जो है शामिल है। गांधी के जो दिखाए हुए रास्ते हैं उन रास्तों पे चलने की जो कोशिश है सरकार की तरफ से वो की जा रही है, और उसी का एक आधार भी है कि छत्तीसगढ़ के जो पुरखे हैं जिन्होंने गांधी के आदर्श और सिद्धांतों के साथ इस छत्तीसगढ़ को गढ़ने की कोशिश की थी, उसी रूप में जो है छत्तीसगढ़ को गढ़ने की कोशिश की जा रही है, और इसलिए नारा भी दिया गया है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। तो उस नारे के साथ खादी ग्राम उद्योग विभाग आगे बढ़ रहा है। आप सब से मैं भी एक अपील करना चाहूंगा इस मौके पे, गांधी जयंती के मौके पे, कि आप ज्यादा से ज्यादा गांव में बनने वाले उत्पादों का उपयोग करिए, जो ग्रामीण वस्तुएं हैं उसका आप जरूर संग्रहण करिए, उसको अपने जीवन शैली में शामिल करिए। और इस मौके पर मैं भी यहाँ से एक संकल्प कर रहा हूँ कि इस गांधी जयंती से कम सप्ताह में मैं 2 दिन खादी का जो है वस्त्र जरूर धारण करूंगा, और सबसे यही गुजारिश है
कि दो दिन हो, एक दिन हो, जितना हो सके आप भी खादी का इस्तेमाल जरूर करिए, स्वदेशी का इस्तेमाल जरूर करिए। इससे हम सब यानी कि ग्रामीण भारत के साथ सशक्त हो पाएंगे, मजबूत हो पाएंगे। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।